सो ये गाइस अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज जैसे आप देख सकते हैं आज हम लोग कहीं राइड पे नहीं जा रहे हैं, आज जो है अपन घर के अंदर ही है। और कुछ पैकेट्स आए थे फॉर द नेक्स्ट राइड, मैंने कुछ पैकेट्स मंगवाए थे, मतलब कुछ सामान मंगवाया था फॉर द नेक्स्ट राइड, तो उसी सामान का जो है एक बड़ी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं कि क्या क्या आया हुआ है। और ये जो सारे सामान है वे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द अपकमिंग थोड़ा सा जो लॉन्ग राइड है। ओके सो गाइस, ये सारे सामान जो है ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये खुद से मैंने अपने पैसों से खरीदा है। तो ये है एक क्या है इसके अंदर, सो दिस इज बेसिकली, ये वैसे मैंने पहले ही खोल दिया था। तो दिस इज द न्यू, जनता जो है अपने को बहुत बड़े कमेंट करते रहते थे कि भाई जो है आप अपना हेलमेट बदल लीजिए। तो दिस इज द न्यू SBA 1 महादेव एडिशन का हेलमेट, ऐसे देख सकते हो ये पूरा महादेव एडिशन है, बहुत ही सेक्सी है, बहुत ही प्यारी है। तो ये भी मैंने SBA 1 वाला एक दूसरा हेलमेट ले लिया है। SBA 1 इसलिए लिया है बिकॉज यहाँ पे जो है आप डायरेक्टली अपना माउंट लगा के, जे हुक लगा के आप डायरेक्टली माउंट वर्क करते हैं कर सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया व्यू भी आता है। दूसरा जो है ये आया हुआ है, अच्छा ये गाइस जैसे आप देख सकते हैं ये मिरर्स है, हाँ ये मैंने अपने बाइक के लिए मंगवाया है। ये मिरर्स है, ओके ये जो है ये ऐसे आपके मतलब उसके साथ फिट हो जाएंगे, जो अभी नए मिरर्स देखने को मिलेगा आपको मेरे उसमें 200 में। इज आर द न्यू RVMs। दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं ये क्या है, दूसरा आएगा आपका ये। तो ये जैसे देख सकते हैं दिस इज द फ्लैशर, ये फ्लैशर है आपका LED हैजार्ड लाइट का, मतलब अभी जो है मेरा जो नॉर्मल इंडिकेटर्स है उसको मैं अभी रिप्लेस करने वाला हूँ इसके साथ, मतलब अभी जो है एक हैजार्ड लाइट लगा देंगे, थोड़ा सा मज़ा आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट। मतलब जब आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हो तो फिर आपको ये हैजार्ड लाइट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाईवे में फॉर प्रॉपर बेटर विजिबिलिटी। तो इसका भी अगर आप लोगों को बाई करना है तो मैं बाई करने का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। और लास्ट दिस इज ये जो है ये अपना LEDs है, मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कैसा टाइप का LEDs लिया है, बहुत ही कूल दिख रहे थे ये वाले LEDs, तो दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई परचेज दिस वन। और ये जितने भी आपको मैंने सामान खरीदा है ना, ये ज़्यादा महंगा नहीं है, मतलब दिस इज़ कम्प्लीटली इन द बजट, आपके बजट के अंदर आराम से आ जाएगा। ओके ग्रेट, जैसे आप देख सकते हो ये है आपके 4 set of LEDs, हाँ जो अभी अपने बाइक में लगने वाले हैं, बहुत ही कूल दिखते हैं ये वाले LEDs, हाँ बहुत ही कूल है, मज़ा आएगा अभी इसको लगाने के बाद मतलब देखने के लिए। तो यही थे जो मैंने जो सामान मंगवाया था, इसका अनबॉक्सिंग मैंने वैसे कर दिया है। 2:30-3 बजे के आसपास जो है मेरे कुछ फ्रेंड्स आएंगे, तो फिर वो जो है एक ड्रोन लेके आएंगे, क्योंकि मैं सोच रहा था कि एक ड्रोन ले लेते हैं, बिकॉज जनता जो है अपने को बहुत बड़ी बोल रही है कि ड्रोन ले लो बाबा ड्रोन। तो ड्रोन लेने से पहले एक बार मेरे को चेकआउट करना है कि ड्रोन कैसे उड़ाते हैं, मतलब क्या है फंक्शनलिटी कैसा होता है, तो एक बार वो सब चेकआउट कर लेंगे। तो उसके वजह से आ रहे हैं, चलिए ड्रोन शॉट्स या ड्रोन उड़ाने वाला सीन जो है एक बार देख। মানে কি হল বজাৰ লৈ গৈছো ভুতিয়া মার্কেটে সব বাইক পেন ধুনিয়া কৰো কি ভাবিছো বস্তু কিনিব যাও, বস্তু কিনিব লৈ এটা দূৰ পাতে দাদা দাদা আপোনাৰ ইংৰাজী দা বাইকত পৰিছিল এনে আছিল বাৰি नहीं जो भी है, ये भाई साहब जो है मतलब थोड़ा सा फेमस है, इनका जो वीडियो था वो मैं कहीं पे आई बटन पे दे दूंगा। जो भी है बढ़िया, हाँ बढ़िया, एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। बस हाँ, तो आज अपन क्या ड्रोन उड़ाएंगे? ड्रोन किसका, किनका किनका ड्रोन है? ड्रोन क्या नाम है भाई साहब आपका? सुमित। सुमित कौन था? बंगाल। ओई उसोर रे मानू बे, ये कि DJI Mavic Mini। हां मिनी मिनी है ना, ठीक है अब उड़ाई सो। এইটা নাম্বারই সাম্পলিং কেলে দিছো আছে, এটা মানে এটা সিগন্যাল আসলে পার পড়ি গেল, ভাল মান হলে যদি ও না হলে নি দিয়ে এনেকো হব পারে মানে না। হ্যাঁ হবে, ওকে তে এই একদম মজা লাগিছে। এর নাম তো আগে বলবো, আছেন মূল সুমিত রায়। সুমিত রায়, হ্যাঁ সুমিত ও ড্রোন মজা লাগিছে, উড়ি যাবো এবার। হ্যাঁ কে বিয়ে লইছে না? হুম হুম Thank you.
गाड़ी को जो है कोल्ड स्टार्ट कर दिया था और फिलहाल जो है जिम के लिए जा रहे हैं। हेलो जी भाई साहब, ये देखिए सुबह सुबह का जो एक मौसम बनता है, बहुत ही प्यारा वाला मौसम है। और सीन ऐसा है कि अभी कुछ ही दिनों के बाद जो है वो ठंडी आने वाली है, ठंडा ठंडा फीलिंग आना स्टार्ट हो गया है। मतलब अभी ऐसा सीन हो गया है असम में कि अगर आप इवनिंग को निकल रहे हैं तो हल्की हल्की ठंड मतलब महसूस हो जाती है। हालांकि जैकेट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी है अभी तक, लेकिन हाँ इवनिंग में तो मतलब ठंडा महसूस हो जाता है। और अभी जो है फिलहाल अपन जिम के लिए जा रहे हैं। और हाँ एक और बात गाइस, ड्रोन शॉट्स कैसा लगा वो बताइए। क्या बोल दिए अपनी पब्लिक, ड्रोन ले लिया जाए क्या? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये जो सारा का सारा सामान जो मैंने मंगवाया था वो किस लिए मंगवाया था, वो इसलिए मंगवाया था बिकॉज अभी जो है एक अपना अपकमिंग राइड आने वाला है, बहुत ही बढ़िया। हाँ बहुत ही बढ़िया और थोड़ा सा लंबा। हाँ बिकॉज अभी तक तो जो है बॉर्डर्स कम्प्लीटली नहीं खुले हैं, जहाँ तक मैंने पता किया था अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, वैसे खुला तो है, इंटर स्टेट बॉर्डर्स खुले तो हैं, लेकिन क्या है ना कि कोई कोई डिस्ट्रिक्ट्स में कभी कभी ये लोग लॉकडाउन लगा देते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि पूरा का पूरा लॉकडाउन हो जाता है। मतलब चलो 14 दिन के लिए फिर लॉकडाउन हो गया कोई एक डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर अभी जो है इसलिए बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जाके फिर रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन हाँ हालांकि आसाम के अंदर ही जो है अपन घूम रहे हैं अभी फिलहाल। हाँ अभी नेक्स्ट राइड का डिटेल्स अगर आप लोगों को चाहिए तो फिर एक बार आगे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो बाबा, ये इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा। इंस्टाग्राम हैंडल है CHAO इंद्रजीत INDRJIT इंद्रजीत एंड BORBORAH बोरबोरा। तो मतलब सेम ही है अपना जो नाम है सेम ही है इंस्टाग्राम हैंडल भी, अगर आप आके चेक कर सकते हैं। हाँ सारा लाइव अपडेट्स एंड डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम में ही मिलेगा। फ्लैशर जो था वो हो चुका है, LED फ्लैशर का काम हो चुका है। मैं आपको थोड़ा सा बगल से दिखा देता हूँ, LED फ्लैशर का जो काम है वो हो गया है। मैं प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन में आगे दे दूँगा, ये जो काम किया है वो मैंने जालूपाड़ा में किया है इन डिब्रूगढ़, और ये भाई साहब ने करा के दिया है। अगर नाम तो मिले ना राइजो संतोष जाधव है, मॉडर्न ऑटो स्पेयर। हाँ अगर किसी को लगाना है तो यहाँ पे आके लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया से लगा दिया है भाई ने। और बाकी जो सामान है उसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में मतलब बाकी जो सामान है उसका सारा लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया है, वो आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो और यहाँ पे आके लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस इसके लिए जो है ना अपन बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे। मतलब एक टाइम था जब अपन NH1 में जाते थे, मतलब दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से मनाली जब जा रहे थे, तो मतलब ऐसे डोमिनर्स या NS 200 ऐसे
क्रॉस करके जाते थे अपने को ये वाला हेडलाइट, ये वाला इंडिकेटर्स लगा के, तो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता था। और तब से सोच रहे थे कि इसको लगाएंगे लगाएंगे लगाएंगे, लेकिन कैसे लगाएंगे वो नहीं पता था। तो फिर थोड़ा सा रिसर्च किया, तब जाके मेरे को पता चला कि ये ऐसे लगता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और ये जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंने RGMs भी यहाँ पे लगाए थे, ये RGMs, हाँ ये वैसे ज़्यादा मतलब ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हाँ स्टाइल देखने के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, तो ये वो पॉइंट है। तो ये सारा सामान जो है वो मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था, उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, अगर आपको बाय करना है तो आप जाके बाय कर सकते हो। और फिर अगर आप लोग डिब्रूगढ़ से या आसपास के लोकेशन से देख रहे हो तो फिर कहाँ पे लगा सकते हो ये सारा का सारा सेटअप, वो भी मैंने वो दुकान दिखा दिया था, वो बंदा दिखा दिया था, वो उसका दुकान का एड्रेस मैं दे देता हूँ, हाँ दुकान का एड्रेस मैं देता हूँ, आप लोग वहाँ पे जाके जो है ना वो ये सारा सामान लगा सकते हैं, मतलब ये सेटअप लगा सकते हैं। और ये सेटअप जो है मेरे को कॉस्ट पड़ा दैट इज़ 300 रुपीज़, हाँ मतलब ये RGMs भी लगा के दिया है और फिर ये सारा वायरिंग वगैरह सब कुछ करके दिया है भाई ने, तो फिर ये मेरे को 300 रुपये के आसपास पड़ा। तो ठीक है, इसी के साथ जो है गाइज, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा फॉर व्हाट्स एवर रीजन देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अप टिल देन सी यू इन अ वेरी नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ एंड लिव योर ड्रीम्स। अपकमिंग राइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, उसी के लिए सारा ताम झाम और हिसाब किताब है। तो चलिए सी यू इन अ वेरी नेक्स्ट ब्लॉग, और इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा नीचे, अगर आना चाहते हो तो एक बार फॉलो कर लो।